हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम RRB NDBC साइको टेस्ट जो CBT 2 के बाद होने वाला है, तो उसके अंदर जो पहला सेक्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट या क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास कम से कम 420 प्लस क्वेश्चन है हमारे पास। मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, सभी जो टाइप्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है क्लासिफिकेशन टेस्ट की मिरर इमेज। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए 88, 55, ऐसे 4 ये लिखे हुए हैं ऑप्शन। इनके अंदर आपको सेलेक्ट करना है जिनका, यानी कि अगर हम यहाँ मिरर लगा दें किसी भी क्वेश्चन, इसके बगल में मिरर लगा दें तो उसका ऑपोजिट यानी उधर बन जाए, यानी सेम बन जाए, तो कौन सा डिफरेंट है उसके अंदर से। देखिए 66 करेंगे तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, ये भी बिल्कुल पलट जाएगा, 22 भी पलट जाएगा, 55 भी पलट जाएगा। लेकिन जो 88 ऐसा है, अगर हम मिरर इमेज अगर यहाँ पे 8 अगर लिखता हूँ मैं, तो उस तरफ भी जो सेम है वो वैसा ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसलिए हमें पे डिफरेंट कौन सा है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही 8 को अगर मैं वाटर इमेज की तरफ से देखता हूँ, अगर वाटर इमेज है यहाँ पे तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही बनेगा। तो दोनों रूल इसके अंदर लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि वी है, ए है, यू है। अगर सपोज हमने यहाँ पे मिरर इमेज लगा दिया, यहाँ हमने मिरर इमेज लगा दिया, तो देखेंगे कि किसके अंदर कौन सा है जो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ए है, ए सेम वैसा ही बनेगा मिरर में अगर देखेंगे तो, वी भी सेम वैसा ही बनता है, यू भी वैसे बनता है, एम भी सेम वैसा ही बनता है, लेकिन जो आर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सेम बनने का मतलब क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे अगर ए सपोज मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे अगर ये मिरर है बीच में, तो यहाँ मिरर में हम इसको देखेंगे तो सेम वैसा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन आर के केस के अंदर वो थोड़ा अलग दिखेगा, वो हमें इस तरीके का दिखेगा, तो इसलिए ये अलग है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो मिरर इमेज वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें ऐसे ही अलग निकालना है, जो सबसे डिफरेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन जो आएंगे 35 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमें करने हैं 10 मिनट्स के अंदर, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होगी। उसके अंदर ऐसे नहीं लिखा होगा मिरर इमेज का, हमें खाली सिंपली अपने हिसाब से हम सारे टाइप से पढ़ेंगे, सभी टाइप से मिक्स होंगी, उसके अंदर से हमें सेलेक्ट करके लगाना है कि इसके ऊपर मिरर इमेज लगेगा या फिर इसके अंदर AEIOU। कभी ऐसा भी लगता है कि भाई ये वोवल्स हैं तो एक व्यंजन दे रही है अलग, तो वो अलग हो जाता है। और कभी हमें वाटर इमेज देखनी पड़ती है, कभी मिरर देखनी पड़ती है, कभी यहाँ पे स्वर और व्यंजन देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली टाइप कवर हो गई है मिरर इमेज की, ठीक है। अगली टाइप हम पढ़ते हैं, अगली टाइप है क्लासिफिकेशन टेस्ट की रोटेशन टाइप की टाइप। ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन आपके इससे कवर होंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके अंदर हम घुमा के देखते हैं, देखिए फिगर देखिए, चार अपने पास से 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें सिंपली इसको रोटेट करके देखना है और कुछ नहीं। या तो इस फिगर को क्लॉकवाइज घुमा के देखो या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा के देखो। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर आए, इसके अंदर देखते हैं हम। सबसे पहले अगर सपोज मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, इसको घुमाता हूँ तो ऐसा कोई बन ही नहीं रहा है। देखिए ए को अगर मैं घुमाता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं सेकंड जो फिगर है बी को अगर मैं घुमाता हूँ तो सी बन जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ घुमाता हूँ तो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो, ठीक है। अगर मैं इसको और भी ज़्यादा अगर घुमा देता हूँ तो मुझे डी मिल जाएगा, और अगर मैं इसको जो सी वाली फिगर है इसको अगर थोड़ा सा पीछे घुमा देता हूँ तो हमें ई मिल जाएगा। तो कुल मिला के सारे जो है वो ए के डायरेक्शन के अंदर इन चारों फिगर हैं वो बन सकती हैं, लेकिन जो ए है वो रोटेट करने पे नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, हम इसको घुमा के देखते हैं, ए को घुमा के देखेंगे तो देखिए इस एरो को अगर मैं घुमाता हूँ सपोज, तो ये अपोजिट साइड में इस साइड आ जाएगा, लेकिन बी में तो उस तरफ ही है ना। अब हम बी वाली फिगर घुमा के देखते हैं, देखो बी वाले को इधर घुमा रहे हैं तो ये सी मिल रहा है, सी को घुमा रहे हैं तो डी मिल रहा है, ऐसे ही इसको घुमाएंगे तो ई मिल रहा है, तो सबसे डिफरेंट क्या था, ए। तो आंसर इसका भी क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए इसको देखिए स्पोर्ट्स वाले को, अगर हम इसको हम रोटेट करते हैं, यहाँ घुमाया है इसको, फिर इसको घुमाया तो हमें ये मिला, लेकिन एक बार और हम घुमाएंगे तो स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर स्पोर्ट्स क्या हुआ है, सीधा लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा, ठीक है। ई के अंदर एकदम सही लिखा हुआ है, अगर इसको घुमाएंगे तो ई स्पोर्ट्स ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर गलत लिखा हुआ तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी फिगर है उसको घुमा के देखना है क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। दोस्तों होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फिर से हम ये वाली जो टाइप हैं जो भी टाइप्स मैं समझाऊंगा, अगर जो भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, उस टाइप को हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक फिगर वाली टाइप्स है हमारी। इसके अंदर क्या है, ज्योमेट्रिक फिगर होंगे, जैसे ज्योमेट्रिक फिगर कौन कौन से होते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया, स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनते हैं, कभी इसके अंदर एम्बेडेड दे देगा, कभी इसके अंदर दे देगा भाई ट्रायंगल के अंदर, ऐसे सर्कल के अंदर ट्रायंगल दे देगा, या फिर इस तरह की टाइप है। देखिए सबसे पहले टाइप देखिए, जैसे कि ये ज्योमेट्रिक फिगर की पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक क्रॉस कट कर रहा है, इसके अंदर भी कट कर रहा है, इसके अंदर भी कट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ही अंदर डाल दिया तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। इसके अंदर भी कट कर रहा है तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, टी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए सारी फिगर क्या है, क्लोज हैं, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन ये ओपन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इस केस में भी, टी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर में स्क्वायर, सेम फिगर के अंदर सेम ही वो है, आयत के अंदर आयत, यहाँ पे देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे देखिए पंचभुज आ गया, ये इसके अंदर आ गया हमारे पास, स्क्वायर के अंदर आ गया, वर्ग के अंदर पंचभुज आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें, ई, ठीक है। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अगली टाइप पर हम आगे चलते हैं, इक्वल डिवीजन ऑफ फिगर। इसके अंदर क्या है कि वो एरिया सेम रहने चाहिए, जैसे सपोज हमारे पास कोई भी फिगर है, जैसे कि सपोज सर्कल है, अगर उसको बीच से डिवाइड करूँ तो दोनों तरफ का जो एरिया है वो बराबर रहना चाहिए, तो इक्वल डिवीजन ऑफ फिगर्स का टाइप है हमारी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें ये बिल्कुल बराबर डिवाइड कर रहा है, बी बी में बिल्कुल डिवाइड है, बराबर है, डी में भी देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे का पोर्शन बराबर है, ई में भी बराबर है, लेकिन ए में देखिए जो ट्राइंगल है उसके अंदर ऊपर का पोर्शन इतना है और नीचे का पोर्शन क्या है, ये है, तो इन दोनों का एरिया बराबर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए में बराबर डिवाइड कर रहा है, सी में बराबर डिवाइड कर रहा है, डी में बराबर, ई में बराबर, लेकिन बी में नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरीके से इक्वल डिवीजन ऑफ फिगर्स का हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे, एक मैं आपको बात बताना भूल गया कि रोटेशन वाले क्वेश्चनों के अंदर हम ज्यादातर हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, सारी फिगर्स जो क्या रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी दिखने के अंदर, जैसे देखो ये देखो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी तीनों क्वेश्चनों के अंदर जो फिगर्स थी, पांचों के अंदर जो है ये पांच जो ऑप्शन है फिगर बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी थोड़ी घूम रहे, इसी से हमें अंदाजा लगाना है कि हमें क्या इसके अंदर पुट करना है, क्या हमें कौन सी टाइप इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अगले इस पे चलते हैं हम, ये हमने इस कर लिया। देन है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसके अंदर क्या है, हमें काउंट करने पड़ते हैं, जैसे कि देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखिए कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं छोटी छोटी इन लाइनों को अगर मिलाऊँ तो ये बन जाता है 4 हो गए, ये 5 और 6, हर किसी में देखिए लगभग इतनी है, बी में भी इतनी है, सी में भी इतनी है, डी में भी इतनी है, लेकिन ई में एक ज्यादा है, तो आंसर इस केस में अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ई। हाँ जी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी सेम टाइप है हमारे पास, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, सी भी सेम है, डी भी सेम है, लेकिन इसके अंदर यह ये एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे दो लाइनें हैं, यहाँ भी दो लाइनें हैं, लेकिन देखो इसके अंदर एक लाइन और एक्स्ट्रा मार दी है, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अगले में देखिए, इसके अंदर भी दो लाइनें थी, इसमें भी दो लाइनें थी, तो आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा, सी। इसमें सिंपली हमें जितनी भी लाइन्स हैं उनको हमें काउंट करना होता है, तो इस तरह के भी एक तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अगली टाइप हम देखते हैं वाटर इमेज। वाटर इमेज का देख लिए, ये अपने पास क्वेश्चन है, वाटर इमेज का क्वेश्चन देखिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप, मैं नीचे वाला समझाता हूँ, पहला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। देखो जैसे कि आर है, आर का जो ये बना रखा है ये वाटर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज है, ठीक है। ऐसे पी का, बी में भी ये मिरर इमेज है, वाटर इमेज नहीं है, सी में भी ये मिरर इमेज है, डी में भी ये मिरर इमेज है, लेकिन ई में क्या है, ये वाटर इमेज है, ठीक है। वाटर में अगर जैसे नीचे वाटर होगा तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर ये मिरर इमेज होता तो ये सेम बिल्कुल वैसा ही बनता, ठीक है। तो इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, इसको आप इसी तरीके से वाटर इमेज से ट्राई करके देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसेंट्रिक फिगर्स हैं। इसके अंदर क्या है, जो फिगर होती है, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है वो एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर होती है। जैसे कि देखते हैं हम, यहाँ पे देखो पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा क्या है हमारे पास ट्राइंगल। दो फिगर सेम है, तीसरी डिफरेंट है। दो फिगर सेम है, सर्कल सर्कल और तीसरा ट्राइंगल। दो फिगर सेम, तीसरी डिफरेंट, लेकिन इसके अंदर देखो पहली दूसरी पे अलग है और तीसरी पे अलग है। पहला क्या हो गया, वर्ग हो गया, फिर त्रिभुज हो गया, फिर हमारे पास वृत्त हो गया, तो तीनों ही फिगर अलग हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास,
ठीक है, सबसे डिफरेंट हमें जो है वो ढूंढना है, क्लासिफिकेशन का मतलब यही है। ठीक है, अगला देखिए, सर्कल के अंदर सर्कल, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे ये अलग आ गई फिगर। ठीक है, तो आंसर इस केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए डी, ई। इसके अंदर आप देखिए, आप कौन सा आंसर हो सकता है, इसके अंदर सर्कल के अंदर सर्कल था, यहाँ दोनों सर्कल है, दोनों ट्राइंगल है, दोनों सर्कल है, दोनों, लेकिन इसके अंदर देखिए डिफरेंट है, ये क्या है, षडभुज और पंचभुज, यानी कि हेक्सागन के अंदर पेंटागन दे रखा है, तो आंसर इसके इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, तो नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिस देखते हैं, जो भी टाइप्स हमने, काफ़ी टाइप्स हमने पढ़ ली, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, ज़्यादातर टाइप्स वही थी, और इसके अंदर कुछ अगर डिफिकल्ट अगर और भी मिसेलेनियस कोई टाइप्स बनती होंगी तो हम क्वेश्चन के थ्रू उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास 24 क्वेश्चन है पहले सेट का। देखिए इसके अंदर देखिए, दो लाइन, दोनों लाइनें ऊपर है और दो जो लाइनें हैं वो क्या है, अपोजिट हैं, बी में भी सी में भी सेम है, लेकिन इसमें देखिए, इसके अंदर ई के अंदर ऐसे बना हुआ है, दोनों ही इसके अंदर अपोजिट साइड में है, यली लाइन पे अपोजिट है और यली लाइन पे अपोजिट है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो लाइन थी, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो दोनों एरो हैं वो नीचे हैं और एक में अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तो बिल्कुल सिंपल है, हर किसी में डॉट था अंदर लेकिन इसमें नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला हम रोटेशन से कर सकते हैं, इसको हम यहाँ घुमाते हैं, यहाँ घुमाएंगे तो ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन हमारे पास जो ये बी है वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर घुमा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, पी। इस केस में देखिए, फिगर कट है, फिगर कट है, इसके अंदर फिगर कट है, लेकिन जो डी के अंदर है वो अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो नीचे बनाया हुआ है, इसके अंदर देखो सब में नीचे है, सब में, इसमें, इसमें भी नीचे, इसमें नीचे, लेकिन इसमें जो ऊपर इसके उल्टा दे रखा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, पी। इसमें देखिए शेप हर किसी की आप ध्यान से देखें, इसके अंदर देखो ये दोनों तरफ से बैंड है, लेकिन इसमें एक तरफ से ऊपर हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेंथ में देखिए, इसमें देखिए हमारे पास काउंटिंग का ये क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से काउंटिंग जो हमने टाइप पढ़ी थी, 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 भी है, 1 2 3 भी है, 1 2 3 भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 और नीचे एक लाइन और आ गई, तो ये क्या हो गई, 4, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना, जल्दबाजी में हम गलती कर सकते थे इसमें कि भाई तीनों इसमें एक साइड आ गए, इस तरह से क्वेश्चन के अंदर क्लासिफिकेशन में जल्दी जल्दी में गलती जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए वर्टेक्स पे, यानी बिल्कुल कोने पे ऊपर भी बना हुआ है, इसमें भी कोने पे बना हुआ है, इसमें भी कोने पे, लेकिन इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर भी डाला हुआ था, सेम जो क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो बाकी सब क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन एक इसके अंदर ओपन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे एक दूसरे में देखो, ये फिक्स कर रखे हैं फिगर, एक दूसरे के अंदर डाली हुई है, देखिए इसको इसमें फिक्स किया हुआ है, इसको इसमें फिक्स किया हुआ है, लेकिन टी है जो वो एक दूसरे में नहीं इम्बेडेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। ऐसे सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दो सर्कल हैं, तो दो अंदर है तो दो बाहर है, दो अंदर है दो बाहर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी दो अंदर है दो बाहर है, लेकिन इसमें देखिए डी में देखिए एक भी फिगर इसके अंदर अंदर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके अंदर जल्दबाजी में बच्चे गलती कर सकते हैं कि भाई साहब दो सर्कल थे, तीसरा कहाँ से आ गया, हर किसी में दो दो इसमें तीन क्यों आ गया, तो आंसर किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें उस चीज़ पर ध्यान देना है कि अंदर एक भी नहीं है। इसमें डिवाइड वाला क्वेश्चन है, हमने कर लिया है, इसको रोटेशन वाला क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। तो बाकी सो जो भी क्वेश्चन है 14 15 16, ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इनके जो आंसर हैं वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे ही हम, हमारे पास अभी तो आज हमने 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करे हैं, हमारे पास कम से कम 400 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो हर एक वीडियो के थ्रू हम अगले आने वाले जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी कीड़ा, एंड जो भी आंसर हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और आइकन बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट।